अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान के दौरान गिरफ्तार पंकज मिश्रा को रिम्स से डिस्चार्ज करने के 5 दिन बाद आखिरकार जेल प्रशासन अपने साथ सीआईपी ले गई। सीआईपी जाने के बाद उनका ओपीडी में जांच किया जा रहा है, जहां से उनके इलाज को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। सीआईपी निदेशक डॉ वासुदेव ने बताया कि अभी उनका ओपीडी में जांच किया जा रहा है, जहां कई तरह के जांच के बाद डॉक्टर यह तय करेंगे कि उन्हें नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती किया जाए या फिर ओपीडी से इलाज किया जाए। इससे पहले जेल प्रशासन लगातार ये कहता रहा कि रिम्स प्रबंधन की ओर से कोई लिखित जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि जेल प्रबंधन ने इसकी लिखित जानकारी जेल प्रशासन को 30 नवंबर को ही दे दी थी। एक ओर जेल प्रशासन का कहना है कि उन्हें कुछ भी लिखित तौर पर नहीं मिला है, जबकि रिम्स प्रबंधन का कहना है कि सारी जानकारी लिखित तौर पर जेल प्रशासन को दे दी गई है, जिसके बाद भी जेल प्रशासन ने 4 दिनों तक पंकज मिश्रा को ले जाने की कोई पहल नहीं की थी। जबकि रिम्स प्रबंधन ने बुधवार को ही जेल प्रशासन को मेडिकल बोर्ड की बैठक के निर्णय की जानकारी दे दी थी। रिम्स अधीक्षक डॉ हीरेंद्र बिरुआ ने जानकारी देते हुए बताया कि पंकज मिश्रा को नशा मुक्ति केंद्र सीआईपी रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज करना जरूरी है। सोमवार को जेल प्रशासन की टीम पेइंग वार्ड पहुंची और पंकज मिश्रा को अपने साथ ले गई। पंकज मिश्रा कई नशीली दवाएं लेने के आदि रह चुके हैं, जिसमें मुख्य रूप से फोर्टविन दवा शामिल थी, जिसकी वजह से उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खास करके उनके इलाज कर रहे डॉक्टरों को परेशानी हो रही है, जिसके बाद मेडिकल बोर्ड ने यह निर्णय लिया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।